This is first video on comparative lecture series between CRPC and भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि हमारा न्यू सीआरपीसी है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है और जिसने सीआरपीसी 1973 को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है. तो इस लेक्चर सीरीज में हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में क्या प्रोविजन था हमारे ओल्ड सीआरपीसी में और अब जो हमारा न्यू सीआरपीसी है जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या नया प्रोविजन ऐड किया गया है या किस प्रोविजन को डिलीट किया गया है. इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक है विच इज FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. सो दिस वीडियो इज कंप्लीट वीडियो ऑन FIR और हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि हमारे ओल्ड सीआरपीसी में FIR को लेकर के क्या प्रोविजंस था. अब हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में FIR से जुड़े किन प्रोविजंस को ऐड किया गया है और एट द एंड हम कुछ लीडिंग केस लॉज भी देखेंगे. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो FIR के ऊपर कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा और कोई भी पर्सन अगर आपसे FIR के बारे में कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से बता पाओगे. साथ ही एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो आप उन क्वेश्चंस का भी आंसर आराम से कर ले जाओगे. जिस तरह से हमने हिंदू मैरिज एक्ट के प्लेलिस्ट को खत्म किया और हिंदू मैरिज एक्ट के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को बेयर एक्ट के साथ प्रॉपर इलस्ट्रेशंस और केस लॉज के थ्रू समझा, उसी तरह से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉम्पेरेटिव लेक्चर ऑन FIR. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस विच वर गिवन इन सीआरपीसी रिगार्डिंग FIR एंड व्हाट आर द न्यू प्रोविजंस एडेड इन FIR इन आवर न्यू सीआरपीसी विच इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं सीआरपीसी का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि किन किन नए सेक्शंस को ऐड किया गया है, कितने सेक्शंस बढ़े हैं, कितने चैप्टर्स बढ़े हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में और पहले सीआरपीसी में कितने चैप्टर्स थे, कितने सेक्शंस थे. राइट. तो जो हमारा सीआरपीसी था 1973 का जिसे हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें टोटल 37 चैप्टर्स थे, टोटल 484 सेक्शंस थे और दो शेड्यूल्स थे. शेड्यूल वन बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में था जिसमें हम ये समझते थे कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजिबल हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजिबल हैं. कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन नॉन बेलेबल हैं, पनिशमेंट किस ऑफेंस में कितना है और किस ऑफेंस का ट्रायल किस मजिस्ट्रेट से होना है, इन सभी बातों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती थी अब तक वो सीआरपीसी के शेड्यूल वन में मिलती थी. सीआरपीसी का शेड्यूल टू बेसिकली फॉर्म्स के बारे में था. राइट. कि अगर कोर्ट या पुलिस एक्यूज्ड पर्सन पर या विटनेसेस के ऊपर शमन इशू करती है तो वो किस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा, या अगर वारंट इशू किया जा रहा है उसका क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, तो इसके बारे में हम सीआरपीसी के शेड्यूल टू में जाते थे. नाउ
जो हमारा न्यू सीआरपीसी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें टोटल 39 चैप्टर्स हैं, यानी दो नए चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। टोटल 531 सेक्शंस हैं, यानी ऑलमोस्ट हमें 47 नए सेक्शंस पढ़ने हैं। और जो दो शेड्यूल्स सीआरपीसी में थे, वही सेम शेड्यूल्स और उनका अरेंजमेंट भी सेम तरीके से बीएनएसएस में कर दिया गया है, यानी बीएनएसएस का शेड्यूल वन लाइक सीआरपीसी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है और शेड्यूल टू फॉर्म्स के बारे में बात करता है। तो देयर इज नो चेंज इन शेड्यूल, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये जो हमारे तीन नए क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लागू कब से हो गए हैं? तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं FIR के बारे में। हमारे सीआरपीसी का जो चैप्टर 12 था, वो बेसिकली बात करता था इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो सीआरपीसी का चैप्टर 12 बात करता था इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, राइट। यानी चैप्टर 12 में बेसिकली ये प्रावधान किया गया था कि अगर आप एज एन इन्फॉर्मेंट या एज विक्टिम पुलिस को इन्फॉर्म करते हो रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, अब वो जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। तो अगर आप पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हो रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के रिगार्ड में क्या पावर है, उसी के बारे में डील करता था हमारे सीआरपीसी का चैप्टर 12। और जो सेक्शंस थे वो थे सेक्शन 154 टू सेक्शन 176, राइट। तो अब तक FIR को रजिस्टर्ड किया जाता था हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंडर, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती थी, जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती थी सीआरपीसी में, वो करती थी अंडर सेक्शन 173। अब क्योंकि हमारा सीआरपीसी कंप्लीटली रिपील हो चुका है और सीआरपीसी के जगह हमारे पास एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ चुका है, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह रहे हैं। तो यानी सेक्शंस भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। तो अब जहां पहले सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 173 फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती थी बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अब BNSS के सेक्शन 173 में FIR रजिस्टर्ड की जा रही है और फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 193 ऑफ BNSS। चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी वाज डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन to police and their powers to investigate।
और जो सेक्शंस थे वो थे सेक्शन 154 to 176। ये जो चैप्टर है ये बन गया है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 13 और सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। अब जो सेक्शंस हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो हो चुके हैं सेक्शन 173 टू सेक्शन 196। राइट, तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी बात करता था इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। राइट, सो व्हाट इज एफआईआर? In simple words, it is all about informing the officer in charge of police station or any police authority regarding commission of any cognizable offence. जब कभी भी कोई सूचना करता किसी पुलिस अथॉरिटी को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में सूचना प्रदान करता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेंट राइटिंग में भी दे सकता है बिफोर पुलिस अथॉरिटी, या पुलिस के सामने जाकर के ओरली भी दे सकता है। तो उस केस में पुलिस क्या करेगा, उसे राइटिंग में लिख लेगा। तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना अबाउट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और पुलिस ऑफिसर का अपने रजिस्टर्ड में उसे दर्ज कर लेना एफआईआर कहलाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। राइट, अब एफआईआर केवल और केवल उन्हीं केसेस में रजिस्टर्ड किया जाता है जो कि कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, यानी एफआईआर गेट्स रजिस्टर्ड ओनली इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। राइट, अगर आप पुलिस ऑफिसर को किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना देते हो तो उस केस में पुलिस ऑफिसर जिस पर्टिकुलर रजिस्टर में आपके कंप्लेंट को नोट डाउन करती है उसे कहा जाता है एनसीआर, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। राइट, हमारे ओल्ड सीआरपीसी में जिसे हम अब तक पढ़ते आ रहे थे एफआईआर का कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया गया था, केवल सेक्शन 154 में ये बताया गया था कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सेम उसी तरह एफआईआर को या एफआईआर के जो प्रोविजंस हैं वही हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी, लेकिन कुछ नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है। राइट, लेकिन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी एफआईआर को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। राइट, अब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है? अगर आपको इसे समझना है तो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज आर को देखना होगा, समय मिले तो आप देख लेना। एफआईआर के बारे में कुछ पॉइंट्स को सबसे पहले हमें समझना है अगर हम चाहते हैं कि एफआईआर के बारे में हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सबसे पहला, एफआईआर में बी रजिस्टर्ड इन कॉग्निजेबल केसेस ओनली, केवल कॉग्निजेबल केसेस में ही, यानी संज्ञेय मामलों में ही एफआईआर दर्ज करती है पुलिस। दूसरा, A cognizable offense is one in which police may arrest any person without warrant. तो cognizable offense क्या है? आप कह सकते हो कि cognizable offense से मतलब हमारा उस offense से है, उस अपराध से है जिसमें पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के,
या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस अथॉरिटीज के पास ये पावर होती है कि वो आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा पॉइंट, पुलिस इज ऑथराइज्ड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केस ऑन देयर ओन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट टू डू सो। कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर होता है कि पुलिस ऑफिसर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए उसे कोर्ट से परमिशन नहीं लेना होता। फोर्थ पॉइंट, अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ये हमें कैसे पता चलता था, तो हम सीआरपीसी का शेड्यूल 1 देखते थे। तो आप कह सकते हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल 1 में जिन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है वो सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, और वो सभी ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स, तो मर्डर, थेफ्ट, रेप, किडनैपिंग, एसिड अटैक, कॉजिंग डेथ बाय हार्श और रैश ड्राइविंग, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सभी क्या है, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सभी क्या है, एग्जांपल्स हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सभी ऑफेंसेस जिनका जो ग्रेविटी होता है वो सीरियस इन नेचर होता है, जिसमें अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, वो सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी समझ लो कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 2 था वो बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन था, और सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया था, सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया था। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज G में डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, और सेक्शन 2 क्लॉज O में डिफाइन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। तो ये आप चाहो तो अपने नोटबुक के साइड वाले पेज में लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, राइट। जिस तरह से और जिन वर्ड्स में कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी में डिफाइन किया गया था, सेम उन्हीं वर्ड्स में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी डिफाइन किया गया है। तो बदलाव किस चीज का हुआ है, बदलाव केवल और केवल क्लॉजेस का हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ सीआरपीसी was talking about definition of cognizable offense, whereas section 2L of CRPC was talking about definition of non-cognizable offenses. But now, definition of cognizable offense has been inserted under section 2 clause G and under section 2 clause O of BNSS, right? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, कैसे डिफाइन किया गया था कि ऐसे सभी ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आपको गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे सभी ऑफेंसेस जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल ऑफेंस
में लिस्टेड हैं वो सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, और ऐसे सभी ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होता है कि वो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आपकी गिरफ्तारी कर ले, ऐसे सभी ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, क्या होगा जब आप किसी असंज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस ऑफिसर को सूचना दोगे, किस तरह से पुलिस ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और क्या प्रोविजन होगा, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। राइट, तो देयर इज नो चेंज इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देयर इज चेंज इन क्लॉजेस ओनली। राइट, तो सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, राइट, सेक्शन 173 ऑफ BNSS क्या कहता है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध से जुड़े हुए प्रत्येक सूचना। अब एवरी इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बिफोर पुलिस अथॉरिटी, वो कोई इंफॉर्मेंट हो सकता है जिससे उस ऑफेंस का कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो, यानी वो विक्टिम ना हो, लेकिन ऑफेंस होते हुए उसने देखा हो या सुना हो। तो एक चीज आप क्लियर कर लो कि FIR मे बी रजिस्टर्ड बाई एनी पर्सन, वेदर विक्टिम और वेदर बाय एनी इंफॉर्मेंट। राइट, तो क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो कोई व्यक्ति जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिगार्ड में किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो इंफॉर्मेशन या तो वो किसी पीस ऑफ पेपर पे नोट करके बिफोर दी पुलिस अथॉरिटी दे दे, या ओरली भी दे सकता है बिफोर पुलिस अथॉरिटी। अगर ओरली देता है तो पुलिस बाउंड है कि उसके द्वारा कहे गए वर्ड्स को एग्जैक्ट उसी मीनिंग में एक पीस ऑफ पेपर पर उतार ले और फिर उस पीस ऑफ पेपर पर उस इंफॉर्मेंट का सिग्नेचर ले ले। राइट, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, राइट, एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और उसे लिखने के बाद अगर उसने इंफॉर्मेशन ओरली दिया है तो उसे लिखने के बाद उस इंफॉर्मेंट को पढ़ करके सुनाया जाएगा कि उसने जो कुछ भी बोला है एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स को लिखा गया है, उसी मैटर को डिस्क्राइब किया गया है, उसमें पुलिस ने अपने तरफ से कोई प्लस माइनस नहीं किया है। अब जो नया प्रोविजन ऐड किया गया है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो है कि इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट शैल be taken on record by him and shall be signed within 3 days by person giving it. तो अगर cognizable offence के commission के regard में informant अगर police को सूचना देता है किसी telecommunication के माध्यम से, तो उसी समय ऑन रिकॉर्ड
पुलिस क्या करेगी, FIR रजिस्टर्ड कर लेगी और उस पर उस इन्फॉर्मेंट का सिग्नेचर ले लेगी 3 दिनों के अंदर अंदर। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by person giving it। इन्फॉर्मेंट जो पुलिस को सूचना दे रहा है अबाउट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस उसका सिग्नेचर ले लिया जाएगा। एंड सबस्टांस शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। तो FIR किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, किस पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर्ड कर लेगी, राइट। बेसिकली FIR से जुड़े कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही FIR में डिस्क्लोज किए जाते हैं, घटना से जुड़े कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही FIR में लिखे जाते हैं, जैसे सबस्टांस ऑफ ऑफेंस, राइट, जिसे हम कंटेंट्स ऑफ FIR कहते हैं, शिकायतकर्ता कौन है, उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस, टाइम एंड डेट ऑफ ऑफेंस, अपराध किस दिन, किस समय हुआ, किस स्थान पर हुआ और किस दिन FIR रजिस्टर्ड कराया गया, टाइमिंग क्या थी, और नेम ऑफ एनी विटनेस, अगर कोई विटनेस था तो उसका नाम, राइट। ये सभी क्या है, बेसिक्स हैं FIR के। आगे जो प्रोविजो है वो है प्रोवाइडेड दैट इन केस द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वुमेन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस वेदर एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्ट। यदि सूचना देने वाला पुरुष ना होकर के कोई महिला है, इफ इंफॉर्मेंट इज वुमेन, इंफॉर्मेंट कौन है, वुमेन है, सूचना देने वाली कौन है, महिला है, और वो ये कहती है कि उसके अगेंस्ट कोई वुमेन सेंट्रिक ऑफेंस हुआ है या करने की कोशिश की गई है, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तब FIR किसके द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेंट जो कि महिला है जिसने अपने अगेंस्ट किसी वुमेन सेंट्रिक ऑफेंस के कमीशन के रिगार्ड में पुलिस को सूचना दी है या वो क्लेम कर रही है कि उसके साथ किसी प्रकार के वुमेन सेंट्रिक कॉग्निजेबल ऑफेंस को करने का प्रयास किया गया है, तो FIR कौन रजिस्टर्ड करेगा, केवल और केवल वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी। Provided further that, आगे कहा जाता है कि women against whom any one or more of women centric offence has been committed or attempted is temporarily or permanently mentally or physically disabled। महिला जो कि पुलिस को ये सूचना दे रही है कि उसके अगेंस्ट किसी एक या एक से अधिक women centric offence को किया गया है या अटेम्प्ट किया गया है, जिसके वजह से अगर वो महिला पूरी तरह से या किसी पार्ट में डिसेबल्ड हो गई है, यानी फिजिकली और मेंटली वो फिट नहीं है, डिसेबल्ड हो चुकी है, जिसके वजह से वो पुलिस स्टेशन जाकर के पुलिस को सूचना नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सके, पुलिस स्टेशन जा सके, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of person seeking to report such offence or at the convenient place of such person's choice। तो पुलिस बाउंड है कि वो उस महिला के रेजिडेंस पर जाके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे, and that officer shall be woman officer, या अगर जो वुमेन विक्टिम है
वो किसी दूसरे प्लेस पर पुलिस को कहती है कि इस प्लेस पर आप मेरी गवाही ले लो, आप मेरा बयान दर्ज कर लो, तो उस प्लेस पर पुलिस ऑफिसर को जाना होगा और उस महिला के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होगा इन फॉर्म ऑफ FIR और अपने साथ में एक इंटरप्रेटर को भी लेकर के जाना होगा, एक स्पेशल एजुकेटर को भी लेकर के जाना होगा जो महिला की बातों को समझ सके, बिकॉज दैट वुमेन इज नॉट फिजिकली और मेंटली फिट। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और पुलिस ऑफिसर जब उसके स्टेटमेंट को उसके रेजिडेंस पर या उस प्लेस पर जाकर के रिकॉर्ड करेगी जिस प्लेस पर उस महिला ने कहा है, तो इन सभी प्रोसेसेस का क्या होगा? वीडियोग्राफी होगी। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, उस महिला को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाएगी और उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराएगी। सीआरपीसी में पहले सेक्शन 164 में स्टेटमेंट एंड कन्फेशन हुआ करता था बिफोर मजिस्ट्रेट, लेकिन अब स्टेटमेंट एंड कन्फेशंस बिफोर मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 में किया जा रहा है। राइट, लास्ट में कहता है अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड एज FIR शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू इन्फॉर्मेंट, सूचनाकर्ता को FIR दर्ज करने के तुरंत बाद FIR की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी जाएगी। राइट, अब देखिए हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो नया प्रोविजन ऐड किया गया है जो कि सीआरपीसी में नहीं था रिगार्डिंग FIR, वो है द अनदर न्यूली एडेड प्रोविजन रिगार्डिंग FIR which was not given in CRPC 1973 but which is now added in our Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is, aage kehta hai, without prejudice to the provisions contained in section 175 of BNSS yani भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 175 में मेंशन्ड प्रोविजंस पर किसी प्रकार का निगेटिव इंपैक्ट डाले बिना ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस, किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में सूचना मिलने पर which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, जिसमें जो punishment है वो 3 साल तक का है या उससे ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, then the officer in charge of police station may with prior permission from an officer not below the rank of DSP considering the nature and gravity of offense, तब थाने का जो भार साधक अधिकारी है officer in charge of police station अपने से superior officer के permission से, और वो जो superior officer होगा वो DSP rank का police अधिकारी होगा, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसके prior permission से और ऑफेंस के नेचर और उसकी ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी
to ensure whether there exists a prima facie case for proceeding in matter within period of 14 days. तो क्या कह रहा है कि officer in charge of police station को अगर किसी cognizable offence के commission के regard में किसी प्रकार का information receive होता है, जिस cognizable offence में जो punishment है वो up to 3 years है या 3 साल से ज्यादा का कारावास है लेकिन 7 साल से कम का कारावास है, तो ऐसे केसेस में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने से सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के प्रायर परमिशन से, जिसका रैंक डीएसपी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस ऑफेंस के नेचर और ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, जिसमें जो टाइम पीरियड होगा वो 14 डेज का होगा, यानी इन 14 दिनों के अंदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या वाकई में ऐसे किसी ऑफेंस का इंसिडेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसके पास प्राइमा फेसी एविडेंसेस आ जाते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, राइट। दिस इज अ न्यूली एडेड प्रोविजन इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच वॉज नॉट गिवन इन सीआरपी, राइट। आगे क्या कहता है, एनी पर्सन aggrieved by refusal on the part of officer in charge of police station to record the FIR, तो कह रहा है कोई person जो कि police station जाता है इस उम्मीद से कि police officer उसका FIR registered कर लेगा, लेकिन police officer उसका FIR registered नहीं करता है, then that aggrieved person, तब वो पीड़ित व्यक्ति may send substance of such information in writing by post to SP concerned, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो लिखित तौर पर एक application move कर सकता है अपने जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षक को, superintendent of police को, राइटिंग में बाई पोस्ट, राइट, हु इफ सैटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस, और एसपी अगर सैटिस्फाइड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हां ऐसा ऑफेंस हुआ होगा, shall either investigate the case by himself, तो वो चाहे तो मामले में investigation खुद से conduct कर सकते हैं, और direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, या अपने से subordinate किसी police officer को direction दे सकते हैं कि आप इसमें investigation करो, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of police station in relation to that offence, aur tab jis officer ko sp sahab ne direction diya hai ki aap investigation shuru karo, to us officer ke paas wo sabhi powers aa jate hain jo powers kisi police station ke officer in charge ke paas hota hai during investigation, right? तो ये जो provision था ये हमारे old CRPC में भी था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है जिसे हमने अभी पढ़ा। एक new line जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में add किया गया है वो है, आगे कहता है
फेलिंग विच सच अग्री पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, और उसने एसपी को इन राइटिंग एप्लीकेशन बाय पोस्ट सेंड किया, वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो अब ये जो अग्रीव्ड पर्सन है, क्योंकि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया गया, उसने एसपी को बाय पोस्ट लेटर भी भेज दिया है, लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो अब अग्रीव्ड पर्सन डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है बिफोर मजिस्ट्रेट इन राइटिंग, या वो चाहे तो ओरली भी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल कर सकता है, राइट। तो यहां तक हमने एफआईआर के कंप्लीट प्रोविजन को देखा, जो कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। हमने ये भी समझा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर के रिगार्डिंग किन नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है। नाउ वी विल सी सम लीडिंग केस लॉज ऑन एफआईआर। सबसे पहला केस लॉ है हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में बेसिकली एफआईआर के पर्पस को बताया गया है। द पर्पस ऑफ एफआईआर इज फर्स्ट टू सेट क्रिमिनल लॉज इनटू मोशन। हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ है, जो प्रोसीजरल लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे मोशन में लाने के लिए, यानी उसे क्रियान्वित करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है लॉजिंग ऑफ एफआईआर। क्योंकि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड पुलिस कर लेती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद पुलिस अपना फाइनल रिपोर्ट, जिसे आप पुलिस रिपोर्ट भी कहते हो या जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट कर देती है, और फिर ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। तो जो पर्पस है एफआईआर का वो क्या है? टू सेट क्रिमिनल लॉज इनटू मोशन। दूसरा, टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन ऑफ एलिज्ड ऑफेंस फ्रॉम इनफॉर्मेंट एंड पुट इनटू राइटिंग बिफोर हिज मेमोरी फेड्स। जैसे ही ऑफेंस हुआ, राइट, ऑफेंस कब हुआ, किस प्लेस पर हुआ, टाइमिंग क्या था, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है इन्फॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट या विक्टिम को। तो अगर तुरंत एफआईआर पुलिस रजिस्टर्ड कर लेती है, तो उस इंसिडेंट से जुड़े जितने भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है पुलिस ऑफिसर को मिल जाएगी। लेकिन अगर पुलिस एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, डिले कर रही है, तो ये जो इंफॉर्मेंट है, एज द टाइम पासेस हिज मेमोरी गेट्स फेडेड, और फिर जो बातें वो उस समय बता सकता था जिस समय इंसिडेंट हुआ, हो सकता है उसमें से कुछ बातों को अब ये मिस कर जाए, बिकॉज टाइम हैज लैप्स्ड, राइट। तो दूसरा पर्पज एफआईआर का ये है कि हम अर्ली इंफॉर्मेशन ले सकें फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट, ताकि हमें क्रूशियल जानकारी मिल सके रिगार्डिंग द सबस्टांस ऑफ ऑफेंस, राइट। दूसरा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर। डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉर्मली व्यूड विथ सस्पिशन बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्कॉक्शन एंड कोर्ट सब्जेक्ट टू एनालाइज द एविडेंस केयरफुली।
अगर इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट एफआईआर देरी से दर्ज कराता है तो इसे जो है कोर्ट संदेह भरी नजर से देखती है, क्योंकि यहां पे देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्कॉक्शन, हो सकता है कि आपने फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड कराया हो, जो कुछ भी आपने बताया पुलिस को वो मनगढ़ंत हो। घटना होने के तुरंत बाद आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या आपके पास इसके बारे में कोई रीजनेबल आंसर है? तो जब कभी भी इन्फॉर्मेंट एफआईआर डीले करके रजिस्टर्ड कराता है तो इसे कोर्ट सस्पिशियन व्यू से देखती है, संदेह भरी नजर से देखती है। और अगर आप कोई एविडेंसेस पेश करते हो एज एन इन्फॉर्मेंट और एज अ कंप्लेनेंट कि आपने क्यों एफआईआर देरी से रजिस्टर्ड किया, तो उसे कोर्ट क्लोजली एनालाइज करती है। यही कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर के केस में, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस छाकीलाल, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों केसेस में ये कहा गया कि एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें ऑफेंस से जुड़े हर मिनट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो एफआईआर में आपको एवरी मिनट डिटेल रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ ऑफेंस नहीं मिलेगा, केवल जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जैसे कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ ऑफेंस, जैसे कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर, हु इज कंप्लेनेंट, कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, एक्यूज्ड कौन कौन है और नेम ऑफ विटनेसेस, राइट। यही सब क्रूशियल इंफॉर्मेशन एफआईआर में मिलेगा। घटना के बारे में एवरी डिटेल इंफॉर्मेशन एफआईआर में नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज इट इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। एक केस और है हमारे पास, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कहा गया कि इवन अ टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे कॉन्स्टिट्यूट एफआईआर। अगर किसी पर्सन के द्वारा टेलीफोन के माध्यम से किसी प्रकार के कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिगार्ड में कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो वो भी एफआईआर ही कहलाएगा। ये माना जाएगा कि आपने पुलिस को कहा था कि आपका एफआईआर दर्ज कर लिया जाए, राइट। लास्ट केस विच इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस दैट द कमीशन ऑफ cognizable offense and no preliminary inquiry is needed in such a situation। क्या कह रहा है कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के तहत अगर ऐसा मालूम पड़ता है या कहीं से सूचना मिलती है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी cognizable offense तो वहां पे एफआईआर दर्ज करना एक मैंडेटरी ड्यूटी हो जाती है पुलिस ऑफिसर की, और ऐसे केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब है, क्योंकि एक नया प्रोविजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड हो गया है जिसे हमने अभी पढ़ा है। आगे कहता है, हाउएवर इन सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस, कुछ केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड बिफोर लॉजिंग ऑफ एफआईआर लॉज करने से पहले कुछ केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कंडक्ट कर सकती है, जैसे मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस में, कॉमर्शियल ऑफेंसेस के केसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में और करप्शन के केसेस में। यही कहा गया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में। तो This was the complete lecture on false information report.
और इस वीडियो में हमने कंपेयर करते हुए पढ़ा कि हमारे ओल्ड सीआरपीसी में एफआईआर का क्या प्रोविजन था। अब हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर को किस तरह से बताया गया है, किन नए प्रोविजंस को ऐड किया गया है और हमने कुछ केस लॉज भी देखा। अगर आप यहां तक आ गए हो तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी मायने में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, which basically talks about information as to non-cognizable case and investigation of such cases. Till then, thank you. Have a nice day.